नमस्कार दोस्तों। एस एस आर के जाने के बाद जहाँ पर बॉलीवुड से लेकर पूरे भारत में हड़कंप मच गया, वहीं पर आप जानते हैं कि आज से नहीं, ये करीब बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री के अंदर कई सारे लोग अचानक से चले जाते हैं। उनके जाने की वजह आज तक सामने नहीं आती। कई सारे लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कदम खुद उठा लिया, कई सारे लोग दावा करते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया। और आज कुछ ऐसे ही लोगों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे यहाँ पर दिव्या भारती की, फिर जिया खान की। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि रसना गल, जी हाँ रसना गल की भी हम बात करने वाले हैं। और एक और थी, कहा जा रहा है कि इनका नाम सिल्क स्मिता था, और प्रवीण बॉबी, मीना कुमारी, SSR और साथ में सूर्यवंशी की एक्ट्रेस सौंदर्या, जिनको आपने बहुत ज़्यादा देखा हुआ सूर्यवंशी फिल्म में, जब इन्होंने अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल निभाया था उस फिल्म के अंदर। इस वीडियो को कहा जा रहा है कि हम डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि SSR के जाने के बाद जिस तरीके से कई सारी बातें निकल के आई बॉलीवुड को लेकर, ये सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार प्रवीण बॉबी के साथ क्या हुआ, यहाँ तक कि दिव्या भारती के साथ क्या हुआ, जिया खान के साथ क्या हुआ। आज तक ये एक मिस्ट्री बनी हुई है, जबकि उसको जिस तरीके से पेश किया गया उसके बाद कई सारे लोगों को समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली में उनके जाने की वजह क्या थी। पर जिस तरीके से SSR गए हैं उसके बाद बहुत सारे लोगों के आंखों से कई सारे पर्दे के पीछे के छुपे हुए राज निकल के आ गए, और लोगों को समझ आया कि आखिरकार प्रवीण बॉबी का जाना, जिया का जाना, श्रीदेवी जी का जाना, और साथ में कहा जा रहा है कि ऐसे ना जाने कितने लोगों का जाना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आपको बता दिया जाए, यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक बड़ी डिटेल खबर से, जहाँ पर दिव्या भारती से लेकर हम जानेंगे कि SSR और सौंदर्या, सूर्यवंशी फिल्म की एक्ट्रेस, इनके जाने की वजह क्या बताई गई, देखिए जरा। दिव्या भारती पहली ऐसी अदाकारा थी जिसने करियर के पहले साल में ही 12 फिल्में की जो जबरदस्त हिट हुई, लेकिन दूसरे ही साल दुनिया को अलविदा कह गई। दिव्या ने 5 अप्रैल 1993 की रात को अंतिम सांस ली। रिपोर्टों के अनुसार वो वसोवा मुंबई में तुलसी अपार्टमेंट नामक एक 5 मंजिला इमारत से गिर गई। उनकी मौत की खबर फैलने के बाद सभी ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया और यह एक रहस्य बन गया। मुंबई पुलिस को भी उसकी मौत के पीछे के मुख्य सबूत नहीं मिल पाए और इसीलिए 1998 में उसकी मौत से जुड़ी जांच बंद कर दी गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु के रहस्य को लेकर कई षड्यंत्र रचे जाने लगे। उनके बहुत से प्रशंसकों ने कई साजिशें देना शुरू कर दिया जिसमें कहा गया था कि उनके पति साजिद नाडियाडवाला मुख्य व्यक्ति थे जो उनकी हत्या की योजना बनाने और साजिश रचने में शामिल थे। एक और साजिश में दावा किया गया कि साजिद का अंडरवर्ल्ड से कुछ जुड़ाव था, लेकिन उसकी मौत के पीछे का असली कारण क्या था यह अभी भी एक रहस्य है। ऐसा कहा जाता था कि उनकी मृत्यु की उसी तारीख को अभिनेत्री ने अपने लिए एक नया अपार्टमेंट तय किया था और वो बहुत खुश थी क्योंकि मुंबई जैसे शहर में 4 BHK अपार्टमेंट खरीदना वाकई मुश्किल था, और यही कारण है कि वो रुक नहीं सकती थी। उसी के बारे में अपने भाई कुणाल को बताया जो उसके बाद उसका अपार्टमेंट छोड़ गया था। नई डील और पैर में पट्टी बंधी होने के कारण उन्होंने हैदराबाद में अपनी फिल्म की शूटिंग भी टाल दी। उसने अपने निर्माताओं को भी इसके बारे में सूचित किया और फिर उसे अपने प्रिय मित्र और डिजाइनर नीता लुल्ला और उसके पति से उसके वसोवा फ्लैट में मिलना पड़ा। रात करीब 10 बजे नीता और उसका पति दिव्या के यहाँ पहुँचे और फिर नौकरानी अमृता के साथ रहने वाले इलाके में गप्पे मारकर शराब पीने लगे। दिव्या फिर अमृता से बात करते हुए खिड़की की तरफ चली गई। कुछ दिलचस्प देख रहे नीता और उनके पति ने दोनों के बीच हुई बातचीत में दिलचस्पी नहीं ली। घर में परिवार के कमरे में एक खुली खिड़की थी और वो खुला था। हालांकि खिड़कियों में एक ऑटो स्टॉपिंग ओपनिंग थी, लेकिन उस दिन ऑटो स्टॉप नहीं था। दिव्या जिस समय कोई नहीं देख रहा था परिवार के कमरे की ओर अपनी पीठ का सामना कर रही थी। लगभग 12 इंच चौड़ी खिड़की के नीचे तंग कगार पर पहुंच गई। उसने खिड़की को पकड़ने के लिए मुड़ने की कोशिश की और उसी क्षण वो फिसल गई और खिड़की के नीचे ठोस से टकराकर नीचे गिर गई। कहा जाता था कि खिड़की के नीचे पार्किंग थी, लेकिन उस दिन वहां एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। पूरी घटना महज 3 मिनट में घटी और आखिरकार वो 3 मिनट में नीचे उतर गई। जैसे ही सभी ने दुर्घटना की आवाज सुनी वे दौड़ते हुए आए और दिव्या को लेटा पाया। यह बताया गया कि उस समय वो जीवित थी, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी धड़कने तेजी से नीचे गिरने लगी। सन 2013 में जिया खान महज 25 साल में इस अदाकारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बट वॉट वॉज द रियल रीजन बिहाइंड हर डेथ इज स्टिल अ मिस्टरी। रसना गल तरुणी सचदेव की मौत जब हुई तो हर कोई हैरान रह गया। साल 2012 में नेपाल में हुए एक प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई।
अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार के साथ पा जैसी फिल्म में काम करने वाली तरुणी सचदेव एक बेहद ही टैलेंटेड अदाकारा थी। मुंबई, चेन्नई, साउथ फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस रही सिल्क स्मिता, सिल्क स्मिथ अगर आज जिंदा होती तो 61 साल की हो जाती। सिल्क की 1996 में महज 36 साल की उम्र में रहस्यमय हालातों में मौत हो गई थी। सिल्क स्मिता, सिल्क स्मिथ का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एलुरु में बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बड़े होते ही सिल्क की जबरदस्ती शादी कर दी गई थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं थी। परवीन बाबी कभी बॉलीवुड की ग्लैस हीरोइन में शुमार थी। इनका शरीर पूरे 72 घंटों तक इनके घर में पड़ा रहा। फिर लोगों को अंदर से बू आनी शुरू हो गई और पड़ोसियों ने पुलिस सूचना दी, जिसके बाद बाहर निकाला गया। मीना कुमारी, जिसने कई सफल फिल्में दी, जिनकी अदायगी को देखकर आज भी कई युवा कलाकार एक्टिंग के गुर सीखते हैं, इनकी भी मौत हुई और वो भी पैसों की तंगी की वजह से। कहते हैं मीना कुमारी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, उनके पास हॉस्पिटल के पैसे चुकाने तक के पैसे भी नहीं मौजूद थे। एक महान बॉलीवुड अदाकारा की ऐसी हालत दिल को दहलाने वाली थी। 14 जून 2020 को हमने बॉलीवुड के एक जगमगाते सितारे सुशांत सिंह राजपूत को खो दिया। इनकी मौत से हर कोई हैरान था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। अभी भी CBI इस मामले की जांच कर रही है। साउथ की फेमस अदाकारा सौंदर्या की मौत से भी मनोरंजन जगत सन रह गया था। 12 साल के करियर में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ। 1999 में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर, अमिताभ बच्चन की पत्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सौंदर्या की मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया था। उनके जाने के गम आज भी लोगों के अंदर मौजूद है। इतने लोग जाए हैं, ये तो वो लोग हैं जिनको शायद हम जानते थे, पर इनमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको हम शायद नहीं जानते होंगे। और सोचिए, सिर्फ ये नहीं, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो अचानक से चले जाते हैं। कई ऐसे जो बड़े स्टार हो, कई ऐसे जो बहुत छोटे स्टार हो, जिन्होंने शुरुआत में ही काम किया और अचानक से वो चले गए, ऐसे कितने लोग हैं आप जानते हैं क्या? आप सर्च करके देखिए कि 2020 में कितने सारे लोग अचानक से चले जाते हैं। जाने की वजह मैक्सिमम लोगों की सुसाइड बताई जाती है, तो उसमें भी सवाल कई सारे खड़े होते हैं। जबकि कहा जा रहा है कि ऐसे सार के जाने के बाद कई सारे लोग और गए थे, उन पे भी सवाल खड़े हुए थे, बट हाँ कुछ ज्यादा कुछ निकल के नहीं आया, इसलिए कहा जा रहा है कि उन मामलों की भी जांच नहीं हुई। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या ये सारे केस बहुत सिंपल केस, इतना बड़ा डिसीजन उठाना बहुत ही इजीली काम है? बिकॉज कोई भी शख्स अगर इंडस्ट्री में जा रहा है, कोई भी शख्स कोई भी इंडस्ट्री में कदम रख रहा है, तो डेफिनेटली वो ऐसे तो कदम नहीं रखेगा कायर बनकर कि कभी मुझे सक्सेस नहीं मिली तो मैं ये कदम उठा लूंगा, क्योंकि डेफिनेटली सबके काम है इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में आप हो वहाँ पर सक्सेस पाना, और कहीं भी आप जा रहे हो वहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको स्ट्रगलिंग लाइफ जीनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर एक पोजीशन पे आ गए तो उस पोजीशन पे रहने के लिए आपको रोज नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो क्या कोई इतना कमजोर बन जाता है कि वो इतना बड़ा कदम खुद उठाएगा, या फिर उन सब केसेस के पीछे कई सारी चीजें छुपी हुई हैं जो आज तक कभी बाहर नहीं निकल के आई? मैं चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर आप एक बार डिटेल में बताएं कि आपको क्या लगता है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।